MIUI 12 का और भी जबरदस्त टिप्स में लेके आया हूँ, क्योंकि MIUI 12 में अभी बहुत सारा नया नया फीचर्स दिया गया है, शायद आपको आज तक अभी कोई नहीं बताया होगा। जो जो टिप्स मैं आपको बोलने वाला हूँ शायद बहुत ही काम आपको आने वाला है, क्योंकि ये सारी चीज हिडन है जो आप अपना कैसे आपको इनेबल कर सकते, सारे चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ। साथ ही साथ आज बहुत सारा APK मैं लेके आया हूँ जो इंस्टॉल करने के बाद अपना फोन को और भी अच्छा तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। जी दोस्तों, आज सिस्टम लॉन्चर, साउंड रिकॉर्डर, थीम, बहुत सारा एप्स जो आपको मैं आज पेश करने वाला हूँ, तो शायद वीडियो को आपको लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो आज बहुत ही काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अभी से अभी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और साथ साथ मैं बोलना चाहता हूँ अगर मेरा चैनल में नया है तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पहले पाने के लिए। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और देख लेते हैं जो क्या क्या नया नया फीचर्स आए हैं। आपको मैं सारे चीज आपको मोबाइल स्क्रीन के दिखा रहा हूँ, आप जरूर मोबाइल स्क्रीन को फॉलो भी करिए। पहला है सिस्टम लॉन्चर। जो सिस्टम लॉन्चर में तो ऐसा कुछ चेंजेस नहीं आया, लेकिन ये सिस्टम लॉन्चर आपको लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या टेलीग्राम में मिलेगा, तो जरूर मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। सिस्टम लॉन्चर अपडेट करने के बाद आपको ज्यादा चेंजेस नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको स्मूथनेस देखने को मिलेगा। चलिए दूसरा चीज, अब साउंड रिकॉर्डर को थोड़ा आप अपडेट करते हैं, मैं जो APK दूंगा उसका अगर अपडेट करते हैं तो आपको क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, थोड़ा सा आपको एनिमेशन देखने के मिलेगा। जैसे हम लोग स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं, स्क्रीन रिकॉर्ड करने के बाद जैसे उसको सेव करता हूं तो उसको जब ऊपर में उठता है उसका थोड़ा सा एनिमेशन अलग दिखाई देगा। दूसरा चीज है, जो आप जब सेटिंग में जाएंगे साउंड रिकॉर्डर का, उसका जो लिखा हुआ वो भी बोल्ड कर दिया गया और इधर कुछ चेंजेस नहीं मिला है। दूसरा, थीम एप्स में अभी तक डार्क मोड काम नहीं कर रहा है। अगर आप भी चाहते हैं जो थीम एप्स को डार्क मोड करना, तो इस APK को जरूर इंस्टॉल करके आप भी डार्क मोड को कर सकते हैं। अभी इसको देखिए, मैं स्क्रीन में देखा रहा हूँ, तो अभी अगर डार्क मोड ऑन कर देता हूँ तो डार्क मोड नहीं रहेगा, अगर डार्क मोड ऑन करता हूँ तो डार्क मोड हो जाएगा। और भी थीम में काफी सारा कस्टमाइज कर दिया गया जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, मेरा उम्मीद से लगता है। तो चलिए अभी जो नया अपडेट आया है वो सेटिंग, अगर जो मैं सेटिंग का आपको लिंक दूंगा वो अगर APK आप इंस्टॉल कर लेंगे आपका मोबाइल में, तो क्या हो सकता है आपको सेटिंग में बहुत काफी इंटरेस्टिंग आपको चीज देखने को मिलेगा। लेकिन ये सारी चीज Xiaomi ने हिडन करके रखा है, क्योंकि ये सारी चीज आपको चाइना में देता है, इंडिया में नहीं देता है, जिस वजह से आपको देखने को नहीं मिलता। जरूर इसको अगर इस्तेमाल करना है तो जरूर वीडियो क्लास तक देखिए, क्योंकि अगर आप भी चाहते हैं अपना मोबाइल में सारे हिडन फीचर्स को इनेबल करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा, और प्ले स्टोर में जाने के क्विक शॉर्टकट मेकर या एक्टिविटी लॉन्चर आपको कोई भी एक आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। क्योंकि जानते हैं Xiaomi में जितना हिडन फीचर रहता है, इस हिडन फीचर को इनेबल करने के लिए एक्टिविटी लॉन्चर या क्विक शॉर्टकट मेकर का जरूरत होता है। तो चलिए मोबाइल फोन के ऊपर और देख लेते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए मैं आ गया मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और आप लोगों को दिखा देता हूँ जो सेटिंग्स ने क्या क्या नया नया अपडेट आया है। तो चलिए मैं पहले क्या कर लेता हूँ, मैं चला जाता हूँ क्विक शॉर्टकट मेकर में। देख सकते हैं मैं क्विक शॉर्टकट मेकर को ओपन कर रहा हूँ, और क्विक शॉर्टकट मेकर को ओपन करने के बाद आपको सेटिंग ढूंढना है, तो मैं सेटिंग को सर्च कर लेता हूँ। वो जैसे ही मैं सेटिंग सर्च कर लूँगा तो सेटिंग आएगा, जो पहला नंबर में है सेटिंग, इसको मैं चूज करता हूँ। और चूज करने के बाद देख सकते हैं इस जगह में बहुत सारा सेटिंग आ गया है, तो आपको क्या करना, कौन सा सेटिंग आपको देखना है, मैं आपको बोल देता हूँ। जो पहला, जो इस जगह में लाइट मोड मिलता है, जो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर दिया गया है, जो आप क्या कर सकते हैं, आइकन को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, इसको मैं नहीं करना चाहता, तो आप चाहे तो आप कर सकते हैं। चलिए दूसरा है एंटी फ्लिकर मोड। एंटी फ्लिकर मोड क्या होता है, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ और ट्राई में क्लिक करता हूँ, तो एंटी फ्लिकर मोड आप देख पा रहे रेगुलर, जहाँ भी इसी प्रकार स्क्रीन आएगा, जैसे TV में होता है ना इसी प्रकार स्क्रीन देखा जाता है, उसी प्रकार दिखाई देगा। अगर एंटी फ्लिकर अगर ये कर देते हैं एंटी फ्लिकर, तो क्या होता है ना, लो लाइट में अपना क्या होता है, नाइट में होता है लाइट का इफेक्टेशन होता है, तो आपको आँख का बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर इसमें इनेबल कर देंगे तो आँख का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये सारी चीज़ हिडन दिया गया है। चलिए दूसरा, आपको इस रिफ्रेश रेट ये इस काम नहीं करता है, लेकिन ये एडवांस सेटिंग में आपको जरूर इस कुछ देखने को मिलेगा। एडवांस सेटिंग में जैसे मैं ट्राई करता हूँ और ट्राई करने के बाद देख सकते हैं जो एनहांस्ड, ओरिजिनल, P3, RGS सारी चीज़ काम करता है, लेकिन पहले काम नहीं करता था, लेकिन अभी सारी चीज़ काम करते हैं। देखो ओरिजिनल कर दिया हूँ, P3 कर सकते हैं, इसका कलर को आप बढ़ा के घटा सकते हैं, देख सकते हैं
वो घट जाएगा, बढ़ जाएगा, सारी चीज़ आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसका कलर को घटा सकते हैं, सेचुरेशन को बढ़ा सकते हैं, वो वैल्यू को कमा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट को, सारी चीज़ आप इस जगह से कस्टमाइज कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर ये दिया गया है, और साथ ही साथ मैं बोलना चाहता हूँ और भी इंटरेस्टिंग फीचर दिया गया है जो आपको पसंद आएगा जरूर। जो फोकस मोड है, जो डिजिटल वेलबिंग है, लेकिन इस जगह कुछ अलग ही दिया गया है जो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मेरे को लगा, शायद आपको भी लगेगा। डिजिटल वेलबिंग में ऐसा चीज़ नहीं देखने को मिलेगा जो इस जगह में देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं इसका इंटरफेस कितना अच्छा तरीके से कूल कर दिया गया है, देख सकते हैं। और वीक करता हूँ, जैसे कि वीक पे भी दिखाई देगा सारे चीज़, देख सकते हैं ग्राफ भी दिखाई दे रहा है कितना अच्छा तरीके से दिखाई दे रहा है। और जैसे मैं इस जगह फोकस मोड करूँगा, तो जैसे मैं फोकस मोड करता हूँ, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा तरीके से कूल कर दिया। आप अपना मोबाइल को 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, 90 सेकेंड कर सकते हैं, लेकिन पहले ट्राई में आप 1 मिनट कर सकते हैं। मैं ट्राई कर लिया हूँ इसलिए मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है। ट्राई करके आप उसी टाइम अगर इस चीज़ को इनेबल कर देते हैं, ओनली फॉर आप इमरजेंसी कॉल कर सकते हैं और कैमरे को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम से कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और भी कुछ इंटरेस्टिंग फीचर दिया गया है जो आपको दिखा देता हूँ। ये फीचर काफ़ी इंटरेस्टिंग मेरे को लगा है, क्योंकि जब भी हम लोग फोकस मोड को ऑन कर देता हूँ, और फोकस मोड ऑन करने के बाद हम लोग को एक सर्टिफिकेट भी देता है इस जगह में, ठीक है। क्योंकि ये सर्टिफिकेट क्या होगा ना, आप अपना गैलरी में सेव भी कर सकते हैं, जैसे देख सकते हैं चैलेंज कम्प्लीटेड, वो ऑल सेशन 30 मिनट में, 30 सेकेंड का तक क्या किया मेरा, वो फोकस मोड को इनेबल करके रखा, जिस वजह से मेरे को एक सर्टिफिकेट दिया है। ये सर्टिफिकेट क्या कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख सकते हैं सेव टू गैलरी भी हो गया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग मेरे को लगा है, और इस जगह कुछ नया देखने को नहीं मिलता, जो जो था पहले वही है। आज तक वीडियो यही था, अगर सारे फीचर्स आपको लेना चाहते तो जरूर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टेलीग्राम मिलेगा, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, और साथ ही साथ बोलना चाहते कोई भी प्रॉब्लम अगर होता है आप जरूर अनइंस्टॉल कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो के ऊपर, तब तक बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।